अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैं प्लांट्स लगा रही हूँ, तो प्लांट्स मैंने सभी प्लांटर्स में लगा दिए हैं। अब एक दो दिन की इनको धूप लग जाएगी, तब इनको मैं जगह पर सेट करूंगी। और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मजेदार चिकन की बिरयानी, मसाले वाली बिरयानी, जिसको मैं बहुत ही इजी वे में बनाऊंगी और जिसमें मैरिनेशन की जरूरत नहीं होती है। अगर आपके पास टाइम कम है, आपको झटपट से बिरयानी बनानी है विदाउट मैरिनेशन, तो इस तरह से बिरयानी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही मजे की बनती है। तो मैंने यहाँ पे पहले 3 प्याज का बिरिस्ता तैयार कर लिया है। अब उसी तेल में मैंने खड़े गर्म मसाले डाल दिए हैं और 1 किलो मैंने चिकन लिया है, मुर्गी ली है, इसको फ्राई कर दिए। मैं तो हमारे यहाँ तो मुर्गा बोलते हैं, लेकिन मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुर्गी बोलती हैं, तो मैंने भी मुर्गी बोला है। तो मुर्गी को अच्छा हम गोल्डन कलर होने तक फ्राई करेंगे। उसमें 2 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है भर भर के, और इसमें बिल्कुल वही बेसिक मसाले डाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया। धनिया मैंने 2 चम्मच लिया है, नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से लिया है, और हल्दी ली है मैंने 1/2 टीस्पून। इन मसालों को हम भूनेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे बिरिस्ता जो हमने तैयार करा था, उसकी आधी क्वांटिटी। तो आधी प्याज हम अभी डाल देंगे और आधी जब हम लेयर्स लगाएंगे बिरयानी की तब यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधी बिरिस्ता डाल दी है, अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बिरयानी बना रहे हैं, मसाले के लिए मैं यहाँ टमाटर का इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 3 टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने कट कर लिया है स्लाइस में, पहले हाफ करा था पर उनके स्लाइस कर लिए थे। अब इसको मैं कुक करूंगी, अब इसमें मैं डालूंगी बिरयानी मसाला, वो भी दही के साथ। तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम लिया है दही, और होममेड मैंने बिरयानी मसाला लिया है जो मैं हैंड टू हैंड ही बना लेती हूँ। इसमें खुशबू का सामान, गरम मसाला, पीली मिर्च वगैरह होती है, बस यही मैं डालती हूँ, और केवड़ा इसी टाइम डाल देती हूँ इसी मसाले में, और थोड़ा केवड़ा मैं डालूंगी लेयर्स के टाइम। तो दही के साथ मिक्स करके मैंने ये बिरयानी मसाला डाल दिया है। अब इसको हम भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, और इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे। गोश्त गल जाए इसको हम ढककर, इसलिए हम ढककर पकाएंगे और बीच बीच में 1-2 बार चलाते रहेंगे। अब यहाँ पे मैंने चावल के लिए पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है, तो मैंने यहाँ पर 5 लीटर पानी लिया है, उसमें खड़े गरम मसाले डाले हैं और ढेर सारा डाला है नमक। तो आप सभी भी ऐसे करते होंगे कि नमक इसमें ज्यादा डालते होंगे, क्योंकि पानी ड्रेन हो जाता है तो नमक भी कम हो जाता है, और चावल चिपके नहीं खिले के लिए रहे, इसके लिए मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब पानी को हम बॉईल होने देते हैं अच्छी तरह से, जब तक हम चिकन को फिर से देख लेते हैं। तो अब हम यहाँ भूनेंगे और चेक कर लेंगे कि इसके पीसेस गले हैं या नहीं गले हैं। अगर पीसेस गल गए हैं तो हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे, और पानी में इधर बॉईल आ गया है। तो हमने जो भीगे हुए चावल थे, यहाँ पे मैंने 1 किलो सेलर राइस लिए हैं, जिसको मैंने धोकर 1 घंटे पहले भिगो दिया था। अब इसमें उबले हुए पानी में चावल डालेंगे और खोलकर ही कुक करेंगे। मुझे चावलों को कुक करना है 85% तक, क्योंकि ये सेले चावल हैं। अब इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है जो कि लेयर्स के टाइम पर पूरी हो जाएगी, तो बस मैंने इतना ही इसको सॉफ्ट करना था। तो गैस की फ्लेम कर दी है बंद, और पानी में से चावलों को अलग कर देंगे, क्योंकि पानी बहुत गर्म है। अगर हम पानी में ही चावल छोड़ देंगे तो ओवर कुक्ड हो जाएंगे। अब यहाँ पे वो जो चिकन था वो बिल्कुल तैयार था, इसके ऊपर का जो रोगन और जो ऑयल होता है वो मैंने उतार के एक बोल में निकाल लिया है। अब हम यहाँ पर लेयर्स लगाएंगे। तो पहली लेयर्स मैंने लगाई है प्याज की, साथ ही मैं इसमें बिरयानी मसाला भी डालूंगी, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें सब डालूंगी, चावल लगाऊंगी। तो आप इसकी लेयर्स को देखिए। चावलों में स्टीम बनाने के लिए मैंने वही उबला पानी लिया है जिसमें मैंने चावल बॉईल करे थे। कुछ चम्मच मैंने घी के डाल दिए हैं, खुशबू डाल दिए और दम पर रख दिया है। मैंने पहले हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए कुक करा था, फिर 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करा था। उसके बाद ये बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है, बहुत ही खुशबूदार, चटपटी, जायकेदारी बिरयानी तैयार होती है। और हमारे यहाँ ये सर्व की जाती है दही, टमाटर, खीरा, प्याज की, दही के रायते के साथ। तो खीरा, प्याज, टमाटर मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था, उसमें फिटा हुआ दही डाल दिया है और नमक, भुना जीरा, काला नमक डाल दिया है। तो इस तरह से इसके साथ बिरयानी को सर्व करा जाता है, बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन लगता है, बहुत ही मजे की ये बिरयानी तैयार हुई थी।
और चटनी कह लीजिए, रायता कह लीजिए, इसके साथ इसका मजा डबल हो जाता है। तो ये थी मेरी बिरयानी की रेसिपी, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। तो आज था चिल्ड्रंस डे, मेरी बेटी के स्कूल से ही आए थे कुछ मैसेजेस चिल्ड्रंस डे के, और बेटी अभी स्कूल से आ गई हैं खाना वाना खाकर, वो थोड़ा रेस्ट करा था, अब पढ़ने बैठ गई हैं। तो यहाँ पर वो काफी देर से पढ़ रही थी और घर पर ही थी, तो कह रही थी कैसा चिल्ड्रंस डे है, हमारा तो कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, बहुत एग्जॉस्ट फील कर रही थी। तो सोचा कि हम बच्चों को लेकर बाहर चलते हैं, तो हमने फिर बनाया अचानक से बाहर जाने का प्लान। हम लोग रात को निकलेंगे, तो हम लोग निकले थे 9 बजे के करीब, क्योंकि दिवाली की वजह से जो डेकोरेशन है बहुत अच्छी हो रही है, तो हमने सोचा था कि वो डेकोरेशन भी देख लेंगे, बाहर घूम भी आएंगे, एंजॉय भी कर लेंगे और कुछ खा भी आएंगे। तो मैं और मेरी बहन की फैमिली गई थी। मार्केट में इतनी प्यारी लाइटिंग हो रही थी, इतना खूबसूरत लग रहा था सब देखकर। तो यह हम लोगों ने यहाँ पर खाना ऑर्डर कर दिया था, जो भी हम लोगों को खाना था स्नैक्स वगैरह, और मैं यहाँ पर सिनेमेटिक शॉट लेने की कोशिश कर रही थी और बच्चे मजाक बना रहे थे। तो सब लोग गए थे, एंजॉय करा था, मजा आया, खूब घूमे थे। फिर हम लोगों ने यहाँ पर खाना खाया था, उसके बाद हम लोग फिर निकल गए थे बाहर के लिए। था तो ये चिल्ड्रंस डे, लेकिन बच्चों के साथ साथ हम बड़ों ने भी खूब इंजॉय कर लिया, आउटिंग हो गई। मेरी बेटियों की वैसे शादियां तो आजकल बहुत चली हैं, लेकिन शादियों में जाना वहां पर उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो जाना ही नहीं चाहती। मेरे दोनों बच्चे ही किसी शादी के फंक्शन में या इस तरह की गैदरिंग में जाना नहीं चाहते, बहुत मुश्किल से जाते हैं। तो उन्हें इस तरह की जगहों पर ले जाइए रोज, लेकिन जो फैमिली फंक्शन होते हैं वहां से वो लोग दोनों ही बहुत घबराते हैं। उसके बाद खाना खाने के बाद यहाँ पर ये अफगानी मोमोज यहाँ के बहुत फेमस हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। तो यहाँ आए थे तो सोचे अफगानी मोमोज भी खा लें, लेकिन उस शॉप पर बहुत ज्यादा रश हो रहा था, जगह नहीं थी। तो हम लोगों ने फिर क्या करा कि लेकर हम लोग यहीं पर कार में ही इस तरह से हमने एक स्टेशन से तैयार कर लिया था और यहाँ पर खाया था। फिर अभी हम इस जगह से चल दिए हैं और अब ये वापसी की डेकोरेशन में दिखा रही हूँ, बहुत खूबसूरत ये एरिया सजा हुआ था। और ऐसी आउटिंग पे निकलें और आइसक्रीम ना खाएं, ऐसा होता नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स भी जरूर पीते हैं, लेकिन आजकल हम इस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अवॉइड कर रहे हैं, और खाने की चीजें भी हमने देख के ही सिलेक्ट करी थी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो